नमस्कार आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व केंद्र मंत्री श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी का स्वागत करता हूं। उसी के साथ में आज हमारे साथ में मेहमान हैं जो कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं श्री ब्रज किशोर रवि जी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस हैं तमिलनाडु के तमिलनाडु केडर के, के बट मूल निवासी हैं बिहार के इसके साथ में हमारे ए सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशंस विनीत पुनिया जी हैं और तमाम मीडिया के मित्रों अभी ज्वाइनिंग के पहले कुछ डेटा हमारे सामने लगातार आते जा रहा है कई दिनों से आ रहा है लेकिन आजकल में भी जो है जो डेटा आया है और उसके मुकाबले में जो सरकार कर रही है वो सब आपके सामने है दस परसेंट जो है बेरोजगारी का डेटा सबके सामने आया है कुछ दिन पहले भी जो डेटा आया था वो पिछले पाँच साल या, या उसके द, पिछले दस साल में जो है ना सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो रहा है जो लगातार बढ़ते जा रहा है वो एक तरफ वो डेटा लगातार आ रहे जा रहा है आ, इंटरनेशनल एजेंसीज की तरफ से भी आ रहा है गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ से आ रहा है इंडिपेंडेंट एजेंसीज की तरफ से भी लगातार आते जा रहा है लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार एम्प्लॉयमेंट रोजा रोजगार मेला लगातार लगाते जा रही है ये हम लोग बार बार पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर भी हम लोगों ने कहा है कि ये जो स्टंट और जो पीआर पॉलिटिक्स जो सरकार करती है इससे सिर्फ जो है वो चंद नौकरियां जो ऑलरेडी वैकेंसीज हैं जो सरकारी वैकेंसीज जो कई सालों से जो भरे हुए नहीं थे हमारे अपोजिशन की तरफ से बेरोजगारी वाला मुद्दा बार बार उठाने के बावजूद ये नए नौकरियां के बारे में कुछ कर नहीं रही थी लेकिन पुराने सैंक्शन नौकरियों के बारे में भी कुछ नहीं कर रही थी इस बीच में जब उनको लगा कि लोगों में भी युवाओं में भी यह मुद्दा बहुत फैल चुका है और जो खासकर बेरोजगार युवा बहुत परेशान हैं और इससे काफी हादसे भी देशभर में हुए हैं जब चल के उन्होंने ये मेला का स्टंट शुरू किया जो जो अवेलेबल वैकेंसीज़ हैं, जो वैकेंसीज़ हैं, उसमें कुछ कुछ वैकेंसीज़ को भरने का काम किया है अब वो जो जो जो, का, जो काम कर रहे हैं उससे ये युवाओं को युवाओं को जो मलहम लगाने का काम नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके घाव जो हैं जो उनको नौकरियां नहीं मिल रही है उसमें नमक छिड़कने का काम ये लगातार कर रहे हैं ये जो तीस लाख की हम कह रहे थे कि वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट में है और तीन तीस लाख वेकेंसी स्टेट गवर्नमेंट्स में भी हैं ये साठ पैंसठ लाख वैकेंसीज जो हैं उसमें जो भरने का एक काम से सरकार नहीं कर रही है या भाजपा शासित स्टेट्स में भी जो नहीं हो रहा है तो उसके बारे में जो लगातार पार्लियामेंट में हम लोग ये बात उठा रहे थे तो मोदी जी की तरफ से ना कोई आ, उसका रिप्लाई आता था ना केंद्र मंत्रियाँ जो वहां बैठा करते थे उनकी तरफ से भी कोई जवाब उसको, जवा, उसको लेकर कोई जवाब आ, आ नहीं रहा था बार बार आ, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हो या सरकार के स्पोक्स पर्सन हो या वित्त मंत्री खुद हो लगातार ये कहते थे जो आंकड़े आ रहे हैं ये फर्स्ट हैं ये आंकड़े फे आंकड़े गलत आंकड़े हैं तो आखिरकार सही आंकड़े क्या हैं वो सरकार हमारे सामने ले के है तो ये अभी आ, जो जो ये नौकरियां नहीं दे रहे हैं इससे उन तबकों को खासकर एस टी एस टी ओ बी सी जिनको रिजर्वेशन मिलता है जो अश्योर्ड नौकरियां हैं जो गारंटीड नौकरियां हैं जो जिसके भरने से कम से कम उनको जो कुछ अश्योर्ड नौकरियां मिल सकते हैं सबसे ज़्यादा मार उन पर पड़ता है ये बात हम लोग लगातार उठाते आए हैं लेकिन सरकार आ, कुछ इससे कर नहीं रही है इससे बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई कितनी बढ़ रही है गरीबी कितनी बढ़ रही है तमाम लोगों के सामने हैं ये पांच राज्यों में इस, इस मुद्दे को हम लोग लगातार उठाने की कोशिश करेंगे कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और जयराम रमेश जी अपने ट्वीट द्वारा जो हम लोग इसको हाईलाइट करने की कोशिश किए हैं ये मुद्दे हमारे सामने हैं इसको हम लोग एड्रेस आने वाले दिनों में एड्रेस करने की कोशिश करेंगे मैं बिना बहुत ज़्यादा टाइम लेते हुए हमारे साथ में ब्रजकिशोर रवि जी हैं जो आईपीएस ऑफिसर हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस तमिलनाडु में रहें बिहार के मूल निवासी हैं ये लगातार अपने आ, अपने अच्छे काम काज से जो है इनको इंटरनेशनल लेवल लेवल में कई मेडल्स इनको मिले हैं यूनाइटेड नेशंस का मेडल 1998 में मिला फॉरेन सर्विसेज मेडल 1999 में मिला और एक्जम्पलरी सर्विस इनकी तमिलनाडु में रही है उसके साथ साथ में ये अपने फाउंडेशन के द्वारा गरीबों के लिए पिछड़े वर्गों के लिए आदिवासियों के लिए काफ़ी काम काम किए हैं सर्विस में रहते हुए भी, भी अपने फाउंडेशन को बिहार में आगे बढ़ाते रहे हैं इनके फादर आ, लेट तुलमोहन राम जी स्वर्गीय तुलमोहन राम राम जी जो है लोकसभा के एमपी रहे 1962 से 1977 तक और 1957 से 62 तक एमएलए रहे हैं कांग्रेस पार्टी से हो रहे हैं कांग्रेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं ये आईपीएस होने के बाद में इनका वहाँ पे था आ, पोस्टिंग तमिलनाडु में था उसके बाद में कई इंटरनेशनल पोस्टिंग्स में गए हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स जो बोस्निया में सिविल वार के टाइम पे हुआ था 98-99 में वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सर्विस इन्होंने दी है आ, तीस तैंतीस साल की पुलिस सर्विस में इन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस विजिलेंस किया है टी के डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस रहे हैं और फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के रहे हैं कई इंपॉर्टेंट पोजिशंस में रहे हैं आज आ, आ, अपने पोजिशन से अपने जॉब से इस्तीफा दे के बिहार की जनता को और देश की जनता को सर्व करने के लिए उसकी सेवा करने के लिए ये कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं कल तमिलना कल तेलंगाना में बीजेपी के बीजेपी के मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन विवेक वेंकट स्वामी जो है कल हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है पिछले एक महीने से लगातार तेलंगाना में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अलग अलग पार्टियों से ज्वाइन कर रहे हैं दो दिन पहले बी के दो एम राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए ये पूरे देश भर में कांग्रेस की जो लहर चल रही है हिमाचल और कर्नाटका की जीत के बाद भारत जोड़ा यात्रा के एक ज़बरदस्त जो सक्सेस रहा भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी के बाद में जो देश भर में जो बदलाव आ रहा है जो सियासी फिजा लगातार बदलती जा रही है जिस तरह के आंकड़े हमारे सामने आते जा रहे हैं जिस तरह के सर्वे रिपोर्ट्स हमारे सामने आते जा रहे हैं इससे बहुत सारे लोग प्रेरित हो के कांग्रेस पार्टी तीन तीन बार लोकसभा के मेंबर हुए तो स्वाभाविक तौर से इनका पहले से भी विचारधारा कांग्रेस का रहा है राहुल जी के पदयात्रा के बाद से लगातार ये नौकरी छोड़ना चाहते थे हम लोगों से संपर्क में थे और इनकी इच्छा थी कि मैं कांग्रेस पार्टी की सेवा कर सकूं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को बिहार में और मजबूती से स्थापित कर सकूं, तो इसलिए मैं इनका अपनी पार्टी में स्वागत करता हूं। मेरा रोल आज इतना ही भर था कि इनका पार्टी में स्वागत किया जाए बाकी विस्तार से नासिर साहब ने अपनी बातों को रखा है आप सबों को मैं फिर से धन्यवाद करता सर, आज, कुमार ने कि <स्वारेद> बिना हड़बड़ाए हुए पूछे ना हाँ सी पी आई का सम्मेलन था और हमने भी सुना है उनका भाषण और वो लगातार कहते हैं उनकी सीएम की उत्कट उत्कंठा ये है कि जल्दी से जल्दी मोदी सरकार को हटाया जाए लेकिन वो तो समय पर ही हटेंगे जब चुनाव होगा और उनका कहने का लबाब यही था कि कांग्रेस सभी राज्यों के चुनाव में व्यस्त है उसके बाद कांग्रेस पार्टी फिर से बुलाएगी और इंडिया गठबंधन का उसके पहले भी सदाकत आश्रम में लालू जी आए थे उन्होंने भी घोषणा किया था वहां से कि इंडिया गठबंधन का पहला सबसे बड़ा रैली हम लोग पटना के गांधी मैदान में, में करेंगे मुख्यमंत्री जी का भी भाषण और उसका लबो लबाब यही था कि और एक्टिव होके और प्रोएक्टिव होके हो के हम लोग जो इतने सारे दल इंडिया गठबंधन के रूप में इकट्ठा हुए हैं सब मिलके भारतीय जनता पार्टी को और मोदी सरकार को अपदस्त किया जाए तो इसमें कोई खराब बात नहीं है और मैं ये मानता हूं कि राज्य से ही न देश बनता है इंडिया बनता है चाहे भारत बनता है तो पांच राज्य भी महत्वपूर्ण हैं मुख्यमंत्री जी और कोई नई बात तो कहे नहीं, नहीं रैली तो सब जगह होगी